तो गाइज आपका मित्र सज्जन सुफियान शायद आ गया एक और न्यू वीडियो लेकर। चलो चलो चलो। तो गाइज यार आज जो है वो धूप निकली थी तो फाइनली जो मैं आज हफ्ते बाद नहा लिया हूँ। क्या मैं बोला तूने? हफ्ते बाद नहा लिया हूँ और आपके लिए वीडियो ब्लॉग बनाने के लिए छत पर आ गया हूँ कंगा कुंगा वहाँ के। तो गाइज यार आज जो हमारे पास जोड़ा है वो है ये बिल्ले घाघरों का जोड़ा है। आप देख सकते हैं कि कबूतरी जो है ये घाघरी है और जो कबूतर जो है ये प्योर है बिल्कुल कासिद के क्रॉस में कबूतर है ये। आप इसकी देख सकते हैं चोंच से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बिल्कुल इसकी चोंच जो है वो सर से फ्लैट हो रही है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो ये इस वजह से ना थोड़ा ये कासिद के कासिद पे गया थोड़ा ये घाघरे पे गया इस वजह से ये ना बिल्ला घाघरा तो बन गया ये। अच्छा और भी जैसे कि आपको पता है हमारे पास और भी काफ़ी अच्छी नस्लों के कबूतर पड़े हैं। तो गाइस यार ये भी हमारे पास ब्रीडर जोड़ा है जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा ब्रीडर जोड़े पड़े हैं। तो गाइस ये जो हम 6 माह पहले लाए थे 2500 रुपये का ये जोड़ा हम लाए थे हमने एक दो दफ़ा ब्रीड करवाई है और इसके बच्चे हमने सेल कर दिए। अभी भी जो ये जोड़ा है ना अंडों पर आया हुआ फुल और इसके फिर हम जो है वो ब्रीड करवाएँगे और इसके बच्चे भी आपको दिखाएंगे फिर। तो गाइस यार अगर हम इसकी खसूसियत की बात करें तो ये कबूतर जो है ये जिस घर का पक्का हो जाए ये वहीं पे रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। ये इधर उधर नहीं ना ये बैठता भी नहीं इधर उधर। इसकी जो नस्ल है ये इसी वजह से तो इसकी नस्ल जो है वो मानी जाती है ज़्यादा। तो गाइज अगर हम इस कबूतर की अगर ब्रीड बदलना चाहें तो हम इसको कासिद के साथ लगा कर भी जो है वो दुबाज बच्चे निकलवा सकते हैं। इस तरह से जो इनकी ब्रीड जो है वो चेंज होती रहती हैं जो कबूतरों के एक्सपर्ट हैं उनको ज़्यादा पता होता है इस बारे में। तो गाइस यार जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि जिसको भी चाहिए कबूतर हमारे पास हर नस्ल के कबूतर हैं। फिलहाल ये जो है क्लासिक नस्ल का कबूतर हमारे पास पड़ा है इसका भी जोड़ा है और भी काफ़ी नस्लों के जोड़े पड़े हैं हमारे पास ग्रीजर नस्ल और हर तरह की जो नस्लें हैं वो पड़ी हैं। आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे वीडियो में दिखाते रहेंगे। ये आप इसकी बनावट देख सकते हैं अभी जो फ़िलहाल जो इसके ऊपर काटे में इस वजह से ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा। इसकी दुम चेक करें आप और ये इंशाल्लाह इसके पर भी खींच रहे हैं आ जाएंगे पर तो इसकी खूबसूरती आप देखेंगे। फिर इसके बच्चे भी निकलेंगे अंडों पे आया हुआ फुल फिर आपको इसके बच्चे भी दिखाएँगे। तो गाइस यार जिस भाई को भी चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको पहले भी बताया डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने अपना दे दिया आप हमसे रब्ता करें और हमसे हर किस्म का हर नस्ल का जोड़ा आप ले सकते हैं। हमारे पास जंगली से लेकर 6 नस्लों तक जो है वो कबूतर हमारे पास दस्तियाब हैं और आप हमसे रब्ता करके ले सकते हैं। यह थी आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर आपने ज़रूर करना है और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट दिखानी। अल्लाह हाफिज़।